हेलो स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा था सेम थ्री में। एंड लास्ट मैंने आपको जो सम्स करवाए थे, दो एग्जांपल्स हमने किए थे, ठीक है। ये एग्जांपल वन हमने किया था, इसके डायरेक्टली सेंट्रल मूवमेंट्स हमने निकाले थे। एंड एग्जांपल टू हमने किया था, इसके भी हमने सेंट्रल मूवमेंट्स डायरेक्टली निकाले थे। अच्छा, अब सम्स जो हैं उसमें पहले देखना भी होता है अच्छी तरह से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो थोड़े रूल्स जो है न्यू आते जाएंगे, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया रूल आएगा। तो अब जो दो सम्स मैंने आपको कल करवाए उसमें हमने मीन फाइंड किया, एक्स बार फाइंड किया। तो एक्स बार हमेशा क्या आ रहा था, एक्स बार हमेशा परफेक्ट इंटीजर आ रहा था। परफेक्ट इंटीजर का मतलब एक परफेक्ट नंबर आ रहा था। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट सम में एक्स बार फाइंड किया तो परफेक्ट नंबर आया, 3 आया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया, इसमें हमने x बार फाइंड किया तो एकदम परफेक्ट नंबर आया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, पर अगर आप सम सॉल्व करो एंड x बार की वैल्यू अगर पॉइंट में आए, अगर एक परफेक्ट इंटीजर नहीं हो, तब क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, पहले यहाँ पे पॉज करके लिख लो। ये टाइप है, When in question, raw moments are to be find out, जब आपको क्वेश्चन में बोले डायरेक्टली कि रॉ मोमेंट्स फाइंड करो, या और when the value of mean is not a perfect integer, तब आपको ये सारी फॉर्मुलाज जो है वो अप्लाई करनी है। पहले आपको रॉ मोमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। जिस समय आपको बोलेंगे कि रॉ मोमेंट्स फाइंड करो, या जिस समय आपको बोलेंगे कि जिस समय आप मीन फाइंड करोगे एंड मीन की वैल्यू पॉइंट में आएगी, उस समय आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो रॉ मटेरियल की ये फॉर्मूला है, एक्स सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन, फिर सिग्मा एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन एन, सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 4 अपॉन एन। ये रॉ मूवमेंट्स आपको पहले फाइंड करने पड़ेंगे। जब क्वेश्चन में बोला हो रॉ मूवमेंट्स फाइंड करो, या जब क्वेश्चन में आप मीन की वैल्यू फाइंड करो एंड वो एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है, तो अनग्रुप्ड डेटा की रॉ मूवमेंट्स की ये फॉर्मूला है। मैं इस टाइप का एक समाज करवाऊंगा इस लेक्चर में। एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी होती है, ओके, उसमें ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पॉज करके लिख लेना, मैं पहले यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके लिख लो फटाफट। आई होप आपने यहाँ पे पॉज करके फॉर्मूलाज लिख ली होगी। टाइप भी लिखना अपने नोटबुक में, टाइप भी लिखना। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ पे पॉज करो, फॉर्मूलाज लिखो डिस्क्रीट सीरीज की। रॉ मोमेंट्स की फॉर्मूला है ये, जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम उसी तरीके से लिखना अपने नोटबुक में, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्मूला है, आई होप आपने पॉज करके लिख ली होगी अभी तक। उसके बाद सेंट्रल मोमेंट, जो कि मेन हमारा क्वेश्चन यही होता है, सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू फाइंड करो। तो सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा हो के डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों में सेम ही होती है। ये सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूलाज हैं, ओके, पहले पॉज करके लिख लो तो मैं समझाऊं, ठीक है। ये सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूलाज हैं, पॉज करके लिखो तो मैं समझाऊं आपको। अब ध्यान दो, सेंट्रल मोमेंट ये फॉर्मूलाज भी तभी यूज करनी है जब या तो आपको रॉ मोमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला हो क्वेश्चन में, या तो आप मीन की वैल्यू फाइंड करो एंड मीन की वैल्यू जो है वो पॉइंट में है, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट्स की फॉर्मूला, सेंट्रल मोमेंट वन हमेशा जीरो ही आएगा, ये रूल है। तो सेंट्रल मोमेंट वन तो सबसे इजी हो गया, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट वन हमेशा जीरो ही आता है। सेंट्रल सेकेंड सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला, ये म्यू टू, ओके, मतलब ये है रॉ मोमेंट, ओके, जहां पे मैंने डैश लगाया हुआ है, डैश से मेरा मतलब है रॉ मोमेंट। तो ये है रॉ मोमेंट टू, रॉ मोमेंट टू में से रॉ मोमेंट वन का स्क्वायर माइनस करेंगे। अब ये फॉर्मूलाज हैं थोड़ी टिपिकल, पर कुछ कर नहीं सकते, लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको ये फॉर्मूला याद करवाऊं या उसकी ट्रिक वगैरह कुछ बताऊं। ये फॉर्मूलाज आपको पेज पे लिख लिख के लर्न करनी ही पड़ेगी, उसकी कोई मैं ट्रिक नहीं बता सकता हूं। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट की ये फॉर्मूला है। पहले रॉ मोमेंट थ्री में से रॉ मोमेंट टू मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट वन मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे,
एंड उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 का क्यूब, इसका एडिशन करेंगे। फॉर्मूला हार्ड है, प्लस माइनस की साइन सब याद करना पड़ेगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ बार बार कि मैंने गलत नहीं लिखा हो, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला सही लिखी है कि गलत, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रूल्स वाले पेजेस हैं, इसमें ही आप फॉर्मूला गलत लिखोगे तो आगे सब रॉन्ग हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 6, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने सही लिखी है। ओके, आई होप यहाँ पे आपने पॉज करके ये सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूलाज लिख ली हो। इसमें समझाना मेरे को कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज है, लर्न करनी है, अप्लाई करनी है, समझाने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल है, अनग्रुप्ड डेटा वाला एग्जाम्पल है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से समझो। अभी यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स अबाउट 15। तो ये जो अबाउट 15 है, ये जो अबाउट 15 है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ध्यान दो, ये जो अबाउट 15 है, अबाउट 15 ये आपकी ए की वैल्यू है, 15, अबाउट 15 मतलब ये अज्यूम्ड मीन है। नॉर्मली क्या होता है, अबाउट 15 वगैरह नहीं दिया होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले मीन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैं मीन अगर आपको निकाल के बताऊं, तो 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20, अब इसमें कितनी वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 73 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मीन की वैल्यू आ रही है पॉइंट में, ओके, पॉइंट में आ गई। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नॉर्मली आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि भाई फाइंड रॉ मोमेंट्स अबाउट 15, आपको डायरेक्टली ये बोलेंगे कि फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, और आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, और आप मीन निकालोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो पॉइंट में आ रहा है, फिर आपको खुद से समझ जाना है कि यहाँ पे रॉ मोमेंट फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद जो सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला है वो लगानी है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू आ रही है 14.6, पर अप्रोक्सीमेटली ए की वैल्यू 15 लेंगे, यहाँ पे तो चलो ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये वैल्यूज ही दी हुई है, 11, 12, 14, 16, 20, ये टेबल तो मैंने बनाया है, ठीक है, ये टेबल मैंने बनाया है पहले से ही, ताकि लाइव लेक्चर में थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो। आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे मैं हर जगह पे ए की जगह पे जो ए की वैल्यू है 15 वो लिख देता हूँ, तो एक्स माइनस 15 का स्क्वायर, एक्स माइनस 15 का क्यूब, ठीक है, एक्स माइनस 15 रेज टू 4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, सिंपल है बहुत, हर एक वैल्यू में से 15 माइनस करना है, तो x की वैल्यू में से 11 में से 15 माइनस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 में से 15 माइनस, 14 में से 15 माइनस, सब सारी x की वैल्यूज में से 15 माइनस कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, x माइनस 15 वाला कॉलम बन गया। इसका टोटल जो है वो आ रहा है -2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आंसर हमेशा 0 ही आए, क्योंकि ये मीन नहीं है, x माइनस x बार नहीं है, x माइनस a है, तो इसका टोटल जो है वो आ रहा है -2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया x सिग्मा x माइनस 15। उसके बाद x माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब इस वाले कॉलम का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है इसका स्क्वायर, तो -4 × -4, ये हो गया 16। उसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी मैंने फाइंड कर दी, ठीक है, 3 × 3, 1 × 1, 5 × 5। अब इसका टोटल जो वो नीचे लिखते हैं, तो इस कॉलम का टोटल आ रहा है 52, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52। उसके बाद x माइनस 15 का क्यूब, ठीक है, तो x माइनस 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले x माइनस 15 का स्क्वायर और उसको x माइनस 15 वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप -4 × -4 × -4 करो, आपकी मर्जी है, तो ये आ जाएगा -64। अब मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, आपको हर एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसका टोटल लिख देते हैं नीचे, इसका टोटल आ रहा है 34, वो यहाँ पे लिख देता हूँ 34, ठीक है। उसके बाद x माइनस 15 रेज टू 4, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो x माइनस 15 का स्क्वायर है, इसको इसी एक इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, या दूसरी भाषा में बोलूं, इस कॉलम का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 × 16 256,
उसी तरीके से सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 = 81, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 25 × 25 = 625। अब इस कॉलम का टोटल सिग्मा एक्स माइनस 15 raised to 4 ये आ रहा है 964, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 964। अब सारी वैल्यूज आ गई हमारी, टेबल बन गया, ठीक है टेबल बन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अभी फॉर्मूलाज वगैरह में वैल्यूज पुट करना बाकी है। तो ये फॉर्मूलाज मैंने कॉपी पेस्ट ही किए ताकि टाइम वेस्ट कम हो, यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, मैं अभी ये सारी फॉर्मूलाज टाइप करने जाऊंगा वापस से तो बहुत टाइम लगेगा। जो लोग लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रॉ मोमेंट्स फाइंड करते हैं। फॉर्मूलाज तो मैंने लिख दिए, ठीक है ओके। तो आगे स्टार्ट, पहले सिग्मा एक्स माइनस ए, तो ये है सिग्मा एक्स माइनस ए, मतलब ये वाला, ये वाली वैल्यू माइनस टू की वैल्यू हो जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव, ठीक है एन की वैल्यू ये रही फाइव, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल पांच वैल्यूज दी हुई है अनग्रुप्ड डेटा में। ठीक है तो साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं, माइनस टू डिवाइड बाय फाइव तो ये आ रहा है माइनस 0.4। ठीक है ये हमारे रॉ मोमेंट वन की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर मतलब 52 डिवाइड बाय 5 ये वाली वैल्यू है x माइनस ए का स्क्वायर, मतलब x माइनस 15 का स्क्वायर, तो 52 डिवाइड बाय 5 ये आ रहा है 10.4। अब ये रॉ मोमेंट्स में है ना हमेशा ध्यान दो ये डैश लगाना, ठीक है ये रॉ मोमेंट 1 डैश, रॉ मोमेंट 2 डैश, 3 - 4 - ये डैश लगाना तो पता चलेगा कि ये रॉ मोमेंट है, क्योंकि साइन तो सब में म्यू की लगानी है। उसके बाद सिग्मा एक्स माइनस ए का क्यूब ये 34 एंड एन की वैल्यू है 5। उसके बाद यहाँ पे साइड में 34 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो 34 डिवाइड बाय 5 आ रहा है 6.8। उसके बाद सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 4 ये 964, 964 डिवाइड बाय 5 करना है, 964 डिवाइड बाय 5 ओके ये 192.8। ये सारी वैल्यूज रॉ मोमेंट्स की कैलकुलेट हो गई। अब रॉ मोमेंट्स की कैलकुलेशन के बाद हमें यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट तो हमेशा ऑलवेज जीरो ही होगी, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी कैलकुलेशंस है वो मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ही साइड में ही वैल्यूज पुट करके साइड बाय साइड कैलकुलेशन करूंगा, या चलो नहीं करूंगा साइड बाय साइड, बहुत गुच्छड़ मुछड़ हो जाएगी, मेरे को थोड़ा साफ सुथरा ही रखना है सब कुछ। थोड़ी स्पेस पहले से ही बना देता हूं मैं। ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट टू, तो पहले सेंट्रल मोमेंट टू में जो रॉ मोमेंट टू है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो रॉ मोमेंट टू की जो वैल्यू है वो कितनी है 10.4, तो ये 10.4 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद माइनस रॉ मोमेंट वन का स्क्वायर, तो रॉ मोमेंट वन है माइनस 0.4, माइनस 0.4 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, रॉ मोमेंट टू इक्वल्स टू 10.4 माइनस जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर होता है 0.16। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर बाहर तो माइनस की साइन है, इसके लिए माइनस ही लगेंगे। ठीक है इसके बाद यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ आंसर, आप एक स्टेप लिख देना प्लीज। 10.4 में से 0.16 माइनस कर देंगे तो ये हमारा सेंट्रल मोमेंट 2 आ गया 10.24।
ये हमारा सेंट्रल मोमेंट टू आ गया 10.24 है इजी। अभी आपने देखा फॉर्मूला मैंने लिखी, टेबल की कैलकुलेशन मैंने लिखी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वैल्यूज पुट करके बस सॉल्व कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज पता होगी तो बाकी सब तो बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आधा घंटा आपको देना है फॉर्मूलाज को याद करने में। ओके, आधा घंटा आप दे दोगे अगर तो आपके लिए ही अच्छा, ठीक है। फॉर्मूला सारी एक बार याद हो गई तो बहुत अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड सेंट्रल मूवमेंट पे। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट हमेशा जीरो ही होगा, ऑलवेज जीरो, उसकी कोई फॉर्मूला भी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो रॉ मूवमेंट है, ओके, ये रहा फॉर्मूला थर्ड रॉ मूवमेंट। तो थर्ड रॉ मूवमेंट कितनी है, 6.8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट टू। ओके, तो रॉ मूवमेंट टू जो है वो कितना है, रॉ मूवमेंट टू है 10.4, तो 3 इंटू 10.4 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट वन। तो रॉ मूवमेंट वन है माइनस 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट वन। तो रॉ मूवमेंट वन है माइनस 0.4 एंड इसका हमको क्या करना है, क्यूब करना है। तो सेंट्रल मूवमेंट 3 इक्वल्स टू 6.8 माइनस, अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10.4 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ध्यान देना माइनस 0.4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है माइनस 12.848। अभी यहाँ पे मैं एक स्टेप ज्यादा नहीं लिख के बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आप एस वाई में हो, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दो, हमने ये सॉल्व किया 3 मल्टीप्लाई बाय 10.4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस 12.48, और बाहर वाली साइन क्या कौन सी है, माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्टेप मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस की साइन ही लगाऊंगा, ठीक है। अभी आप एस वाई में हो, इतना तो आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का क्यूब। यहाँ पे पहले तो माइनस 0.4 का क्यूब निकालते हैं, तो माइनस 0.4 का क्यूब आ रहा है माइनस 0.064 एंड अभी इस माइनस 0.064 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, माइनस 0.128। मतलब यहाँ पे बाहर प्लस की साइन है पर अंदर आ रहा है आंसर माइनस 0.128। तो बाहर ध्यान दो, बाहर प्लस की साइन है, अंदर माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अभी आप एस वाई में हो, ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, 7th-8th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं प्लस माइनस माइनस, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद तो जो वैल्यूज हैं बस उसे प्लस माइनस कर देना है, तो 6.8 प्लस 12.48 माइनस 0.128, ये सब प्लस माइनस करके हमारा सेंट्रल मूवमेंट 3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 19.152। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल मूवमेंट 4 पे आ जाते हैं, इसकी फॉर्मूला सबसे बड़ी होती है। ओके, तो सेंट्रल मूवमेंट 4 इक्वल्स टू पहले रॉ मूवमेंट 4 की वैल्यू है 192.8। ओके, चलो ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बताऊं, ये कैलकुलेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ओके, इसके बाद अगर आप करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मूला तो मैंने बता दी आपको, इसमें वैल्यूज पुट करके बस कैलकुलेशन करनी है, जो कि इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, फिर भी ये तो मैं बताऊंगा ही, एंड इसके बेसिस पे जो डिस्क्रीट सीरीज वाले सम्स है वो भी मेरे कराने हैं, तो वो भी एक दो तो मैं करवाऊंगा। फिलहाल भले लिखो भले नहीं लिखना, ये वाला सम अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस एक लास्ट कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब मैं कंप्लीट कराऊंगा तब ही मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा पूरा सम, तब लिखना। मेन आज के लिए ये है कि भाई जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाई हैं, ठीक है, वो लिखना, ठीक है। तो रॉ मूवमेंट्स की ये फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज में रॉ मूवमेंट में एफ भी लगता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, और सेंट्रल मूवमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मूलाज लर्न करना क्योंकि ये फॉर्मूलाज अलग है।